नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGPSC मेंस का पेपर नंबर 2 यानी कि निबंध लेखन। आज के इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये आपको ये बताना होगा कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। आपके जो पेपर नंबर 2 है आपका, उसमें आपको 4 निबंध लिखना होता है परीक्षा में। 2 निबंध आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर लिखना होगा और 2 निबंध आपको लिखना होगा छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर। प्रत्येक निबंध में जो मार्क्स होंगे वो आपके 50 होंगे, यानी कि जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 होंगे और जो शब्द सीमा होगा प्रत्येक निबंध का वो 750 शब्द का होगा। और 3 घंटे में आपको 4 निबंध लिखने हैं, यानी कि 3 घंटे में आपको 3000 शब्दों का लिखने का अभ्यास होना चाहिए। तो आज का यह वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी टॉपिक पर एनालिसिस नहीं करना है, बल्कि आपको ये बताना है कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। अगर निबंध का जो वास्तविक मूल्य है या फिर जो वास्तविक भावना है, अगर आप उसे समझ लिए तो आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस निबंध को या फिर इस टॉपिक को हमें फ्रेम कैसे करना है, क्योंकि निबंध लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होता है तो वो होता है आपका निबंध का फ्रेमिंग। अगर आप सही तरीके से उस टॉपिक को फ्रेम कर गए तो आप मान कर चलो कि एक बेहतर निबंध लिख सकते हो। अगर टॉपिक फ्रेम नहीं कर पाए या फिर अगर आप टॉपिक नहीं समझ पाए तो आप भटक जाओगे, कुछ पूछा है कहीं और घुस जाओगे। जैसा होता है ना कि कभी कुछ बोलने को कहा जाता है तो हम किसी टॉपिक पर बोलते हैं और बोलते बोलते कहीं और चले जाते हैं, किसी और टॉपिक में घुस जाते हैं। तो वैसे ही उत्तर लेखन में भी होता है और ख़ासकर ये होता है जब हमें ज़्यादा शब्दों में लिखना होता है। तो हम लिखना तो शुरू करते हैं उस टॉपिक पर, हमें जितना पता होता है, लेकिन अगर सही तरीके से हम उस टॉपिक को फ्रेम ना करें तो हम आगे पीछे चले जाते हैं, या तो फिर किसी और टॉपिक में घुस जाते हैं या फिर कहीं और घुस जाते हैं, या फिर शब्द सीमा को 750 वर्ड में या लिमिटेड जो शब्द होता है उसमें कैसे समेटे, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो आज का इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उद्देश्य है, वो यही है कि कैसे आप कोई टॉपिक को समझें कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है, यानी कि वो आपसे लिखवाना क्या चाहता है, और कैसे उसका फ्रेमिंग करें कि आप उसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहें, आप इधर उधर ना भटकें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है निबंध लेखन में होता है, 2 पॉइंट पे आप समझ सकते हो। सबसे पहले आप टॉपिक को समझो। अगर कोई बड़ा टॉपिक है आप उसे समझ नहीं पा रहे हो तो टॉपिक को कैसे तोड़कर समझा जाता है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद उसका फ्रेमिंग कैसे, उसका स्ट्रक्चर पूरा किस प्रकार से होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सिलेबस में हम ये समझ लेते हैं कि आपका सिलेबस कहता क्या है। मेंस का पेपर नंबर 2 जिसमें 2 भाग हैं, भाग एक में क्या है, भाग एक में आपको 2 ऐसे लिखना है, 4 टॉपिक आपको दिया जाएगा जिसमें से 2 लिखना है, जिसमें से एक राष्ट्रीय होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 4 टॉपिक में आपको 4 राष्ट्रीय दे दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 2 राष्ट्रीय 2 अंतर्राष्ट्रीय दे दिया जाए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाग एक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आपको टोटल यहाँ पर 4 टॉपिक दिया जाएगा, जिसमें से जो है आपको 2 टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। 750 वर्ड्स होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो कुल अवधि होगी वो होगी 3 घंटे की, और ये जो अवधि है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 घंटा 3000 वर्ड बिना प्रैक्टिस किए आप नहीं लिख सकते। जितना ज़्यादा टॉपिक्स हो सके, जितना ज़्यादा आप पिछले साल से अगर देख लो, जितने भी करंट अफेयर्स के अगर न्यूज़ है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इशूज़ है, वो प्रैक्टिस आप बेहतर तरीके से करो, उसके बाद ही आप 4 ऐसे बेहतर तरीके से सीमित समय में लिख पाओगे। मैं आप लोगों के लिए, यानी कि कंपटीशन कम्युनिटी आप लोगों के लिए जो है, लगभग 35 से 37 टॉपिक तैयार करके रखा हुआ है। कुछ लगभग 17 से 18 टॉपिक छत्तीसगढ़ के इश्यूज़ हैं, बड़े बड़े इश्यूज़ जो 2019 जून से लेकर अब तक के जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो मेज़र पॉलिसीज़ लाई गई हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करके, या छत्तीसगढ़ में जो भी बड़े बड़े इश्यूज़ रहे हैं तो सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करके 17 से 18 टॉपिक तैयार किया गया है।
इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल में भी लगभग 18 से 19 टॉपिक जो है इसी तरह से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, और लगभग 35 से 37 टॉपिक का जो है एक PDF तैयार किया है जो कि आपको अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे कोर्स को परचेस किए हुए हैं उनके लिए वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बात, उस PDF को प्राप्त करने के लिए अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन के जो पहला कमेंट होगा उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़कर वहां से वो PDF को प्राप्त कर लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस PDF का एक झलक मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, उस PDF में कुछ एनालिसिस भी करूंगा कि इस टॉपिक को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूंगा कि किसी टॉपिक पर निबंध कैसे लिखा जाता है, उसका फ्रेमिंग कैसे किया जाता है, टॉपिक को कैसे पहचाना जाता है, कैसे उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसा उसका बॉडी होना चाहिए, कैसा उसका कंक्लूजन होना चाहिए, इन सब बातों पर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने भाग एक में बताया कि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर 2 निबंध लिखना होगा, 4 आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद भाग 2 की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर 2 टॉपिक लिखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात और समझिएगा, 2018 से आपका जो सिलेबस है वो बदल गया CGPSC का। 2018 से पहले आप देखोगे तो नेशनल इश्यूज और छत्तीसगढ़ के इश्यूज पर कुछ ऐसे पूछे जाते थे, कुछ निबंध के टॉपिक ऐसे होते थे जो आपका GS सब्जेक्ट का होता था। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ के मुद्दे में छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित कोई निबंध पूछ दिया जाए, खासकर अगर आप देखोगे तो जो छत्तीसगढ़ में चलन था वो आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा निबंध लिखने को पूछा जाता था। इसी तरह से छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी से भी जो है वो डायरेक्ट आपके GS से उठाकर ऐसे में पूछा जाता था। 2018 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, सिम राष्ट्रीय मुद्दे में भी हुआ करता था, डायरेक्ट GS से आपका क्वेश्चन पूछा जाता था, और कुछ करेंट अफेयर्स के भी होते थे। लेकिन 2018 में जब आपका सिलेबस बदला और 4 निबंध लिखने को आ गए, तो पिछले साल का यानी कि प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ोगे तो उसमें आप यह पाओगे कि जितने भी टॉपिक्स आप देखोगे, 4 आपका नेशनल और इंटरनेशनल पार्ट वाला और 4 आपका छत्तीसगढ़ के मुद्दे वाला, ये चारों के चारों कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं करेंट अफेयर से। कैसे कनेक्टेड है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2018 PSC में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे निबंध से वो किस प्रकार से थे, यहाँ पर आप समझिएगा। सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका कौन सा पार्ट है, सबसे पहला पार्ट यहाँ पर है आपका नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज। तो इसमें किस तरह से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले ये आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, घटती रोजगार बढ़ती अर्थव्यवस्था, यानी कि डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोइंग इकोनॉमी। कहने का मतलब ये है कि 2019 से ही इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन करने लगी। 2019 में खासकर जब $5 trillion इकोनॉमी की बात होने लगी, भारत का जो ग्रोथ रेट था 2017 में जब आप देखोगे, 2018 में देखोगे तो अच्छा खासा ग्रो कर रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई दिशा में थी और एम्प्लॉयमेंट जो था वो डाउन होते जा रहा था। तो इस तरह से आपसे जो प्रश्न है वो पूछा गया था 2018 में, जो कि पूरी तरह से करंट अफेयर से संबंधित था। इसके अलावा आप सेकंड टॉपिक देखोगे तो सेकंड टॉपिक है आपका इंटरनेट से घटती सामाजिकता, ये आपका सेकंड टॉपिक था नेशनल इश्यूज में, डिक्रीजिंग सोशियलिटी इन द इंटरनेट एज, ये आपका सेकंड टॉपिक था। ये भी आप डायरेक्ट इसको करंट अफेयर से रिलेट करके इस क्वेश्चन को देख सकते हो। कैसे समझोगे इस टॉपिक को, इंटरनेट से सामाजिकता जो है वो किस प्रकार से घट रही है, आप अपने घर का एग्जांपल लेकर देख सकते हो कि आपके घर में कैसे पहले सोशल गैदरिंग हुआ करता था, सोशल मीटिंग हुआ करता था, फैमिलीज आपस में सोशल रूप से कनेक्टेड होते थे। आजकल आप भी खुद को देख लो, मोबाइल इंटरनेट ये सब सारी चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते हो सोशल गैदरिंग के अलावा। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरनेट ने किस प्रकार से यहाँ पर भूमिका निभाई है, इंटरनेट से संबंधित जो डेटा रिलीज किया जाता है उस आधार पर इस टॉपिक को लिख सकते थे। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियाँ 1975 से गिनाते जो उपलब्धियाँ, जितना इसरो ने उपलब्धियाँ हासिल की हैं, तो ये करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा धारणीय विकास, भारत की आवश्यकता यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब से 2015 से यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लॉन्च किया और जिस जिस कंट्री ने उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया है
तो उस देश में जो है सतत विकास यानी कि धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नीड है, उसकी जो ज़रूरत है, वर्तमान समय में जो महसूस किया जा रहा है वो एक बहुत ज़रूरत है, और भारत के लिए किस प्रकार से उसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो है वो ऐसे लिखना था। बस मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, तो सारे के सारे जो क्वेश्चन आप देखोगे वो कहीं ना कहीं करेंट अफेयर से रिलेट करता हुआ है। इसके अलावा आप अगर छत्तीसगढ़ के इश्यूज देखोगे तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संस्कृति आदिवासियों के लिए वरदान या अभिशाप, इंडस्ट्रियल कल्चर इन छत्तीसगढ़, अ ब्लेसिंग और क्यूस और फॉर ट्राइबल्स। ठीक है, तो इसमें खासकर जब इंडस्ट्रियल कल्चर इन छत्तीसगढ़ वाला पार्ट अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जैसे NMDC नंदराज आंदोलन के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो, जिस प्रकार से NMDC किरंदुल में लौह अयस्क खनन के लिए जिस प्रकार से जंगलों का कटाई हुआ, जिस प्रकार से नंदराज आंदोलन चला, तो ये सब औद्योगिक संस्कृति से आदिवासियों के लिए किस प्रकार से वरदान है और किस प्रकार से अभिशाप है, दोनों पक्षों को आप इसमें इंक्लूड करके लिख सकते थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति की संभावनाएँ, इसके अलावा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना स्वरूप या उद्देश्य, ये आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड ऐसे है, आजीविका महाविद्यालय अवधारणा स्वरूप व उपलब्धियाँ, तो ये सारे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसमें जो वेटेज आपको दिख रहा है 90% जो है इसमें करंट अफेयर का वेटेज है। इस आधार पर आप कह सकते हो कि आपका जो निबंध लेखन की तैयारी होनी चाहिए वो करंट अफेयर पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक साल में, पिछले एक साल में जितने भी बड़े इवेंट्स हुए उन सब का टॉपिक आपको तैयार करना होगा, और जितने टॉपिक्स का मैं PDF दे रहा हूँ वो तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे फ्रेम किया जाता है, उसके बाद जो PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ उस PDF के आधार पर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इस टॉपिक को आप कैसे एक ऐसे के रूप में बदल सकते हो, या फिर कैसे एक अच्छा उत्तर जो आपको शब्द सीमा दिया गया है उस शब्द सीमा में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप कोई ऐसे लिखने जाओ तो सबसे पहला जो आपको काम करना है टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक, जब आप टॉपिक पढ़ लोगे तो टॉपिक का जो मूल भाव है, जो आपसे पूछना चाह रहा है, आप उसे समझने का प्रयास करें। क्या यह मूल भाव आपके आसपास से गुजरा है, क्या जो टॉपिक का मूल भाव है उस मूल भाव को आपने कहीं पढ़ा है, या फिर टॉपिक को आपने तैयार किया है, तो इस तरह से सबसे पहले आप उसे समझें। अगर समझ नहीं आ रहा है तो टॉपिक को तोड़ने का प्रयास करें। कैसे तोड़ा जाता है आगे मैं जब PDF दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप टॉपिक को तोड़ सकते हो। टॉपिक को तोड़ने से ये आसान हो जाता है कि आप फ्रेम बहुत तरीके से कर पाते हो निबंध लेखन के लिए, उसके बाद आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो धैर्य से आप टॉपिक को समझिए। 1 मिनट 2 मिनट आप बखूबी टाइम दे सकते हो एक टॉपिक को समझने के लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फ्रेम करना है उस टॉपिक को। फ्रेम आप यहाँ पर 3 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय को फ्रेम करना होगा, यानी कि परिचय इस टॉपिक में किस प्रकार से हो सकता है या इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है, ये आपको करना होगा। उसके बाद आ जाता है आपका बॉडी, यानी कि जो एसे का जो मेन पार्ट होगा वो आपका बॉडी में होगा, यानी कि बीच में जो भी आप लिखोगे, चाहे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में लिख रहे हो या फिर उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स लिख रहे हो, तो वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, आपका बॉडी में आ जाएगा। चाहे सकारात्मक पक्ष चाहे नकारात्मक पक्ष जो कुछ भी लिख रहे हो वो सब आपका बॉडी में आना चाहिए। और उसके लास्ट में आपका क्या होगा, कंक्लूजन, यानी कि ये होगा आपका निष्कर्ष। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि कुछ चेकर्स ऐसे होते हैं जो आपका कॉपी चेक करते हैं, वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देखकर समझ जाते हैं कि इसने क्या लिखा होगा अंदर। तो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत सॉलिड होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बातें आती हैं कि आपको जो इंट्रोडक्शन है वो किस प्रकार से लिखना है। तो इंट्रोडक्शन भी आप यहाँ पर 2-3 तरीके से लिख सकते हो, या इसमें 2-3 चीज़ों को शामिल कर सकते हो। क्या क्या शामिल कर सकते हो, जैसे अगर कोई टॉपिक दिया गया,
कुछ भी हो सकता है, साइंस से रिलेटेड हो सकता है, डिफेंस से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्या टॉपिक का डेफिनेशन बन सकता है, तो आप उसे लिखिए, यानी कि परिभाषा। परिभाषा लिखने के बाद आप ये देखिए कि क्या इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ करंट अफेयर्स पढ़े हैं, क्या ये हाल के दिनों में समाचार में रहा है। तो आप उसके बाद जो भी आपने समाचार सुना है या पढ़ा है या उसके बारे में जाना है, आप इंट्रोडक्शन में ही उसको शामिल करें। ये दोनों तो आप लिखेंगे ही, परिभाषा लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, और इसके अलावा आप समाचार में जो सुने हैं वो लिखें, या तो फिर अगर समाचार कोई बड़ा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर किसी एक सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो सिर्फ इतने पर भी आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो। क्लियर है? और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन का वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसका वेटेज बढ़ाने के लिए, आप यहाँ पर कुछ भी कोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोटेशन का कहने का मतलब है जो एक लाइन में या दो लाइन में, आप शायरी उसको कह सकते हो, या अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ विद्वानों के थॉट्स हैं, जैसे आप कुछ टॉपिक्स पे स्वामी विवेकानंद के थॉट को यूज़ कर सकते हो, कुछ महात्मा गांधी के थॉट को यूज़ कर सकते हो, तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके थॉट्स को अक्सर निबंध में यूज़ किया जा सकता है, तो उनके थॉट्स को भी आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे कॉपी भर हम कविता लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, एक से दो लाइन में बेहतर। अब्राहम लिंकन का बहुत सारे कोटेशन बहुत लोग यूज़ करते हैं, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, कई महापुरुष हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन का, अगर साइंस से रिलेटेड हो तो अल्बर्ट आइंस्टीन का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोटेशन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो प्रभावी दिखेगा। ठीक, उसके बाद आ जाता है बॉडी। जैसे देखिए, बॉडी को भी आप यहाँ पर जब समझोगे तो ये बहुत मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ लिखना होता है। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए, आप गवर्नमेंट की किसी नीति या योजना पर टॉपिक लिख रहे हैं, तो इसका जो बॉडी होगा वो किस प्रकार से होगा? इसका बॉडी कई रूप से हो सकता है। इसमें आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म ज़्यादा नहीं करना है, हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट की कोई पुरानी पॉलिसीज़ हो, या डायरेक्ट पूरा हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपसे निबंध लिखने को पूछ दिया जाए, या एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया जाए, तो आप क्या करोगे कि अगर कुछ ऐसा रिपोर्ट सामने आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करता है, जैसे कुछ नीति आयोग की रिपोर्ट्स आए, या फिर गवर्नमेंट के किसी एजेंसीज़ का रिपोर्ट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, जो छत्तीसगढ़ के इस सेक्टर को क्रिटिसाइज़ करता है, तो आप उसका पर्टिकुलर उस रिपोर्ट का नाम लेकर, या नीति आयोग का नाम लेकर, या फिर जो भी एजेंसीज का रिपोर्ट है उसका नाम लेकर वहाँ पर गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, गवर्नमेंट अगर शुरुआत में नई नई पॉलिसी लेकर आई है, तो आप नई पॉलिसी को तो ग्राउंड लेवल पे वो अभी तक ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, तो जो भी उसकी अच्छी बातें हैं वो लिखिएगा। तो पॉलिसीज़ में खासकर इसमें क्या चीज़ें होता है, अगर गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ से रिलेटेड आपको बॉडी तैयार करना है, तो सबसे पहले आप उस पॉलिसी के बारे में लिखिएगा कि ये पॉलिसी है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, कहां कहां पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ बजट एलोकेट किया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें उस पॉलिसी से रिलेटेड सारी चीज़ें लिख सकते हो, किस तरह से वो लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता है, इसके सकारात्मक प्रभाव आप लिख सकते हो, इसके आप थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है, या फिर अगर कुछ एक्सपर्ट्स के कुछ राय हैं कि इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, तो उन एक्सपर्ट्स का नाम इंक्लूड करके, तो उन एक्सपर्ट्स का नाम इंक्लूड करके आप नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर लिख सकते हो। कुछ अगर इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट डेटा हैं, जैसे आप समझ लो कुछ पॉलिसीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में लिख रहे हो, तो कुछ यहाँ पर सरकार के प्रयास के बारे में बता रहे हो, जैसे अगर पॉलिसी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर लिखना है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के प्रयास को आप लिख सकते हो, तो सरकार के प्रयास में आप सुराजी गांव योजना को इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जिस प्रकार से गौठानों का निर्माण किया जा रहा है सुराजी गांव योजना के अंतर्गत में, और या फिर जिस प्रकार से घुरबा के तहत में, या फिर बाड़ी के तहत में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है, तो ये सब सारे
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। और बॉडी में जितने भी डेटा हैं, चाहे सरकार के स्कीम्स हैं, अगर उस टॉपिक से संबंधित अगर उसमें आप थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करना हो तो उन सब सारी बातों को भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे टॉपिक पे हम एनालिसिस करेंगे तब जाके आपको थोड़ा बेहतर तरीके से और समझ आएगा, तो पीडीएफ पर मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आप इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हमेशा संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब आपको किसी सरकार के पॉलिसीज पे सुझाव देना है, बखूबी दीजिए, आप उसमें अपना भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपना भी सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा वेटेज किस पर रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज जो है वो किसी एक्सपर्ट्स का रखेंगे, किसी रिपोर्ट का रखेंगे, या जिस प्रकार से समाज की जो भावनाएँ हैं उस प्रकार से आप रखेंगे, क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, आप इस तरह से जो है पूरा कंक्लूज़न लिखेंगे। कंक्लूज़न का मतलब ये होता है कि आपने जो टॉपिक लिखा उसका सार क्या है, उस सार में आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, तो अपनी थिंकिंग के साथ में और इस टॉपिक का पूरा समावेश कर एक बेहतर तरीके से आप कंक्लूज़न तैयार करें, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल ये होता है कि सर कोई टॉपिक को हम पैराग्राफ में लिखें, सिर्फ पैराग्राफ में, या हम यहाँ पर साइड हेडिंग डाल के लिखें, बहुत लोगों के मन में सवाल होता है। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं तो वहाँ पर साइड हेडिंग ये सब कुछ नहीं चलता, वहाँ पर पैराग्राफ में ही लिखना होता है। लेकिन सीजीपीएससी में ऐसा है कि आप साइड हेडिंग डालकर भी लिख सकते हो, साइड हेडिंग डालकर छोटा छोटा पैरा बनाए। पैराग्राफ कभी भी आप बड़ा नहीं बनाओगे, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि लेंदी हो रहा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि जब बहुत बड़ा पैरा बना देते हो ना तो जो पढ़ने वाला होता है सामने वो पूरी चीज़ों को नहीं पढ़ पाता, वो कभी कभी बड़ा पैराग्राफ लिखने के चक्कर में आपकी हैंडराइटिंग भी ख़राब होती है, और जहाँ पर आपको वैल्यू एडिशन करना चाहिए था, जहाँ पर आपको अंडरलाइन करना चाहिए तो वहाँ पर ठीक से अंडरलाइन हो नहीं पाता, इस वजह से जो सामने वाला चेकर होता है वो थोड़ा सा इरिटेट भी होता है। तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि आपका जो पैराग्राफ हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन से ज़्यादा ना हो, और जब भी आप लिख रहे हो तो जहाँ पर आप कुछ कोट, जैसे कुछ रिपोर्ट को आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो या फिर कुछ डेटा मेंशन कर रहे हो तो उस डेटा के नीचे में आप अंडरलाइन करना ना भूलें, अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पर साइड हेडिंग आप ज़रूर लिख सकते हो, जैसे इस प्रकार से सरकार के प्रयास आपने लिखा और सरकार के प्रयास के नीचे में आप यहाँ पर अंडरलाइन करें और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। तो ये लिखने वाली जो समस्या है, आप पैराग्राफ में भी सिर्फ लिख सकते हो या फिर सब पॉइंट को आप हाईलाइट करके भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा पैराग्राफ आप छोटा ही रखिएगा, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ इस्तेमाल आप मत कीजिएगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा टॉपिक को फ्रेम कीजिएगा। टॉपिक को फ्रेम कैसे करना है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन आप वहाँ पर कर लीजिए मेंशन कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है। मेरे हिसाब से आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 100 से 150 वर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका कंक्लूज़न आ जाता है वो भी 100 वर्ड्स में होने चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 150 वर्ड्स इसको मान लो और 100 वर्ड इसको, 250, और 500 वर्ड्स का जो है वो आपका बॉडी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको वर्ड वाइज में डिवाइड कर सकते हो कि कितने वर्ड्स में आपको लिखना है और किन किन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना है, तो आप जो है उस सीमित शब्द में रहोगे, आगे शब्द से नहीं जाओगे, यानी कि भटकोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से कौन से टॉपिक को कैसा लिखा गया है, और जो मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ उस पीडीएफ पर भी थोड़ा सा 1-2 टॉपिक समझा देता हूँ कि इस टॉपिक पर आपको एक कैसे बेहतर उत्तर लिखना है। तो बाकी आप सारे टॉपिक्स को आप वहाँ पर आगे समझ जाओगे और उसी आधार पर आप घर में प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। तो 1-2 टॉपिक मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, एक नेशनल इशू समझा दूंगा और एक छत्तीसगढ़ के इशू समझा दूंगा, ठीक है, चलिए समझते हैं। तो ये रहा आपका पीडीएफ निबंध लेखन, और इसमें किस प्रकार से टॉपिक्स हैं आप इसको एक बार देख लीजिए। लगभग ये आपका टॉपिक छत्तीसगढ़ का यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, एक मूर्त वास्तविक होती अवधारणा, नंदराज आंदोलन, आस्था प्रकृति और लड़ाई,
नंदराज आंदोलन ये वही हो गया, आदिवासी संस्कृति के लिए क्या औद्योगिकरण सही है, ये उनके लिए अभिशाप है या वरदान है, इस प्रकार से। अभी छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो 2019 और 20 में बायो पॉलिसीज जो हैं वो बहुत बार न्यूज़ में रहा है, तो बायोफ्यूल के पॉलिसी से रिलेटेड, तो बायोफ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड और छत्तीसगढ़ के जो प्रयास हैं, छत्तीसगढ़ सरकार जो बायोफ्यूल इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रही है, तो उस पर आप निबंध जरूर लिखिएगा। और मैं जो आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ वो इसी टॉपिक पर समझाने वाला हूँ, धान से जैव ईंधन छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष चुनौतियाँ, या फिर जैव ईंधन छत्तीसगढ़ में संभावनाएँ, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक को आपके सामने एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी आपके सामने जो है इस तरह से आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे, और ये टोटल जो टॉपिक है आपके सामने दिखेगा लगभग 17 छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर, जो कि सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। छत्तीसगढ़ के जो लोकवाणी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम को इंक्लूड किया गया है, DPRCG में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो इंक्लूड किया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो मेजर इवेंट्स होते हैं या जो पॉलिसीज आते हैं उन सब टॉपिक्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 30 पन्नों का है, आप बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक टॉपिक मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप इस टॉपिक पर कैसे लिख सकते हो, या फिर इस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है, या फिर इसमें किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जैव ईंधन पर ही देख लेते हैं। तो जो इसमें लिखा हुआ है, देखिए एग्जैक्टली ये नहीं हो सकता कि आपको सेम टॉपिक दे दिया जाए। जैसे इसमें है टॉपिक क्या कह रहा है कि धान से जैव ईंधन छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष चुनौतियाँ। अब ये भी हो सकता है जैव ईंधन छत्तीसगढ़ में संभावनाएँ, इस टॉपिक को इस तरह से भी बदला जा सकता है। तो इस टॉपिक में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक का जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहला तो ये आखिर चर्चा में है क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये चाहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, लगभग हर साल सरकार जो है पिछले 2 साल से 85 लाख मीट्रिक टन खरीदी का जो है वो लक्ष्य रख रही है, और लगभग 80 लाख मीट्रिक टन के आसपास खरीदी भी किया जा रहा है। इसमें से आप समझ लो 30 लाख मीट्रिक टन जो है सेंट्रल पूल में बेच दिए, और खुद का जो खर्च है वो लगभग 32 लाख मीट्रिक टन के आसपास में है, और लगभग आपका 30 लाख मीट्रिक टन या 20 लाख मीट्रिक टन के आसपास में धान आपका बच जाता है। तो आप यहाँ से उससे बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादन को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है, और गन्ने से भी आपका जो है बायोफ्यूल का जो है निर्माण किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में पहला जो बायोफ्यूल का प्लांट है वो आपका भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में लगने वाला है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ रहा है, और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। तो इस आधार पे आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखोगे कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से चर्चा में है और छत्तीसगढ़ में संभावनाएँ किस प्रकार से हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में जब आप इसके बाद जब आप बॉडी लिखना स्टार्ट करोगे, बॉडी में आप क्या क्या लिखोगे, प्रदेश में जैव ईंधन संयंत्र लगाए जाएंगे और प्रदेश सरकार के समक्ष किस प्रकार से चुनौतियां हैं, इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किस प्रकार से प्रयासरत है छत्तीसगढ़ सरकार। तो जब भी बायोफ्यूल प्रोडक्शन की बात होती है तो गवर्नमेंट इसलिए कभी गवर्नमेंट बहुत कम ही राजी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि खाद्य पदार्थ से बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाए। तो जो खाद्य के वेस्ट होते हैं उससे उत्पादन करने की, यानी कि सेकंड जनरेशन से उत्पादन करने की बात कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्ट जनरेशन को प्रिफर नहीं किया जाता। फर्स्ट जनरेशन को प्रिफर नहीं किया जाता, उसके पीछे का जो मेजर रीज़न है वो ये है कि खाद्य आपूर्ति श्रृंखला जो है वो कहीं प्रभावित ना हो, इसीलिए हमेशा सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल का को उत्पादित करने के लिए कहा जाता है, ताकि यहाँ पर जो है खाद्य उत्पादन बाधित ना हो और सेकंड जनरेशन में जो है खाद्य पदार्थों के वेस्टेज से जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ जब धान से उत्पादन करने की बात कर रही थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जब आप बॉडी इसमें लिखोगे तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं, 2018 का पॉलिसीज़ क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में संभावनाएँ किस प्रकार से है। तो ये सब सारे आधार पर आप जैव ईंधन से संबंधित इस टॉपिक को पढ़कर एक बेहतर तैयार कर सकते हो निबंध। आप खुद से 750 वर्ड में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है 750 वर्ड से ज़्यादा है, तो वो आपको समेटने आना चाहिए कि आपको कितनी चीज़ों को लिखने की आवश्यकता है, और बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं तो उसे कैसे कम वर्ड्स में सिमटा जा सकता है। इसमें ज़्यादा वर्ड्स इसीलिए हैं ताकि आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ।
आंकड़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ, इसीलिए जो है यहाँ पर ज़्यादा शब्द सीमा रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ में हेल्थ इशूज़ से भी रिलेटेड है बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर नेशनल इशू से देख लेते हैं। नेशनल इशूज़ का जब आप टॉपिक देखोगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर है, इसके अलावा भारतीय संविधान में आपराधिक विधि दंड प्रक्रिया के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा के बारे में है, सुस्त होती भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इसके अलावा जो गठबंधन की सरकार में जिस प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उसके बारे में भी आपको दिया गया, जैसे महाराष्ट्र में देखने को मिला, इसके अलावा जिस प्रकार से आप मध्य प्रदेश में देख रहे हो, जिस प्रकार से आपने कर्नाटका में देखा, तो गठबंधन की सरकार के सामने किस प्रकार से चुनौतियां हैं उस पर भी आपको टॉपिक्स मिल जाएगा। इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और इससे जुड़े हुए विवाद पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसके लिए भी आपको टॉपिक दिया गया है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य जो कोविड-19 से जो सिचुएशन उत्पन्न हुए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, कोविड-19 पर आपसे इसे पूछा जाए, वैश्विक महामारी वर्तमान चुनौतियां या संभावनाएं इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, और वे इस वैश्विक महामारी से मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है या वर्तमान परिस्थितियां या अवसंरचना की आवश्यकता किस प्रकार से है, इस टॉपिक पर आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 ने किस प्रकार से इम्पैक्ट डाला है जो है मेंटल हेल्थ पे, और इतने सारे आप निगेटिविटी बातें सुन रहे हो, ये सब सारी चीज़ें सुन रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप नेशनल इशूज़ में क्या फेस कर रहे हो या इंटरनेशनल इशू में क्या फेस कर रहे हो, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी एक्ट आने वाला है इस साल के अंत में, तो साइबर सुरक्षा की वर्तमान आवश्यकता किस प्रकार से है इस पर है। हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया है तो इस पर भी आपको ऐसे मिल जाएगा। इस साल बहुत सारे राज्यों में बाढ़ देखने को मिला तो बाढ़ कारण प्रभाव और नियंत्रण पर आपको मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया, इससे रिलेटेड मिल जाएगा। फूड सिक्योरिटी समस्या और संविधान, एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन जो हाल ही में रिपोर्ट रिलीज हुआ है, तो उस आधार पर जिस प्रकार से इकोनॉमी की हालत खराब हुई है, तो इस तरह से आप वहाँ पर टॉपिक्स लिख सकते हो। और ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं, हालांकि ज़्यादा शब्द सीमा का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सको, सिंप्लीफाई किया गया है डेटा को पूरी तरह से आप अच्छे तरीके से समझ सको, इसलिए इसमें सिंप्लीफाई किया हुआ है। लेकिन हाँ, आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि 750 वर्ड में इंक्लूड किया जाए, और जब कभी भी आप टॉपिक लिखोगे ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ इसे पढ़कर लिख लो, कुछ टॉपिक्स और इससे रिलेटेड आपने पढ़ रखे होंगे, कुछ कंटेंट आपके पास में पहले से होंगे, और ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपने जीएस में भी कुछ पढ़ रखा है, तो सबका समावेश करके आपको निबंध लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने लिखा है या जो कंपटीशन कम्युनिटी के इस निबंध में आपको कंटेंट दिया जा रहा है, सिर्फ हुबहू इसको नहीं छापना है। तो आपने जो जीएस में पढ़ रखा है या आपका जो बाहरी ज्ञान है या फिर आपने जहाँ से और कंटेंट इकट्ठा किया है, तो सबको आपको मिलाकर लिखना है। आवश्यकता क्या, जैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछा गया तो आवश्यकता क्या है, क्यों चुनौतीपूर्ण है, ठीक है ना, किस प्रकार से भारत में ठगी के केसेस हो रहे हैं, तो कहीं आपने क्राइम रिपोर्ट से संबंधित जो रिपोर्ट देखा है कि भारत में हर साल इतने ठगी होते हैं, इतने लोग ठगी का शिकार होते हैं, तो उस आंकड़ा को इंक्लूड कीजिए। भारत में क्यों आवश्यकता है, गवर्नमेंट को किस तरह से पॉलिसीज लानी चाहिए, ये सब सारी चीज़ों को आप यहाँ पर बेहतर तरीके से एक कंबाइन पूरा पैकेज बना सकते हो। ठीक है, चलिए एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बताता भी हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है और इसमें किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएँ, आज के दुनिया में देखिए जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस क्षेत्र में कई सारे कंट्रीज़ जो हैं वो होड़ में बढ़े हुए हैं, कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिए, चाइना आज इतना समृद्ध क्यों हुआ, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया और बहुत सारी कामें की, लोगों को वो चीज़ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मुहैया करवाया बहुत सस्ती कीमतों पर जो उनकी ज़रूरत थी, उनके हाथों में डाल दिया। तो इसी प्रकार से आने वाला समय जो है, वो आने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। तो जिस प्रकार से चाइना के सामने संभावनाएं थी टेक्नोलॉजी का, उसी प्रकार से भारत के पास में संभावनाएं हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। भारत इसको बखूबी
जो है वो इस चीज़ को अडॉप्ट करके, रिसर्च करके, यहाँ पर प्रमोट करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप को बढ़ावा देके सरकार जो है इस ओर बेहतर कार्य कर सकती है। भारत में किस प्रकार से संभावनाएं हैं इस पर चीज़ों को लिखा गया है। तो यहाँ पर एक हाल ही में नीति आयोग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, गूगल के साथ में एक यहाँ पर समझौता भी किया है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर जो न्यूज़ है वो लिख सकते हो आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। इसके अलावा यहाँ पर फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ डालिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में आप लिखिए। इसके बाद आप भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं किस प्रकार से है, भारत में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट को लाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, किस प्रकार से वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग किया जा रहा है, यानी कि उपयोग किया जा रहा है, या फिर किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आने वाले समय में कार्य कर सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है, किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है, भारत सरकार के लिए भारत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है, सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बस आपको इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। बॉडी में मैक्सिमम सारी चीज़ें आ जाएगी, इंट्रोडक्शन में बस जो आप बॉडी लिखोगे उसका सार होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए जिस वजह से न्यूज़ में है वो होना चाहिए, और एक अच्छा सा कोटेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कंक्लूजन, इन सब का सारे एक बेहतर तरीके से अपना ओपिनियन रख के, कुछ अपनी थिंकिंग रख के आप वहां पर बेहतर तरीके से लिख सकते हो, या किसी एक्सपर्ट्स के व्यूज लिख सकते हो आप, या फिर पूरा इसका सार लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये पूरा PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे, जैसे मैंने बोला, अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, जो लोग मेंस का कोर्स परचेस कर रखे हैं। क्लियर है, बातें समझ आ रही हैं? तो इस तरह से आपको एक बेहतर उत्तर लिखने आना चाहिए, खासकर निबंध में। और देखिए, निबंध ना, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया और टॉपिक को समझकर आपने लिख लिया, तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि निबंध एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चाहो तो इसको डायनेमिक कह सकते हो, क्योंकि स्टैटिक अब ऐसे छत्तीसगढ़ में बहुत कम पूछा जाएगा। अगर सिर्फ आप डायनेमिक यानी कि करंट अफेयर्स रिलेटेड जितने टॉपिक्स में बताया, या फिर आपने कुछ टॉपिक्स तैयार कर रखा है अलग से भी, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन सबको अगर लगभग आप 50 टॉपिक 60 टॉपिक इस तरह से आप तैयार करके चले जाते हैं, तो आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हो और स्कोर अच्छा कर सकते हो। ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, या तो आप इसमें बहुत कम नंबर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत होती है, हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करते रहना होता है। अच्छा स्कोर भी कर लोगे अगर थोड़ी सी मेहनत कर लिए तो, और अगर आपने इस पर मेहनत नहीं किया है तो आप बहुत कम नंबर स्कोर करोगे। जो आपके बाकी GS के पेपर्स हैं उसके कंपेरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि आप बेहतर स्कोर कर सकते हो ऐसे राइटिंग में। थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होगी, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी कि इसको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से फ्रेम करना है। इन सब छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान में रख लिया तो आप बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप एक बेहतर निबंध लिख कर आओगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और ये जो PDF है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बेहतर तरीके से तैयारी करके जाइएगा, और तैयारी का मतलब प्रैक्टिस करके जाइएगा, लिख कर जाइएगा 750 वर्ड में कैसे इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए, क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।